यूट्यूब चैनल RDC केलोंग में। तो सुबह के 5:30 हो रखे हैं, तो हमें चलना है छतरी से 6 बजे। जंजैहली से 22 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम छतरी पहुँचे हुए। तो अभी 5:30 बजे का समय हो रहा, तो कुछ नज़ारा इस तरह का, अभी अंधेरा है। तो कहा कुछ ही लोग अभी उठे हैं, तो हमारे उस्ताद जी और हम उठ चुके हैं। तो निकलेंगे बस की ओर और वहाँ से निकलेंगे 6 बजे अब मंडी की ओर। हम अपनी बस के पास पहुँच चुके हैं, तो अभी तो अंधेरा ही है। कुछ एक लोग सवारी आ चुकी है जो मंडी की ओर जाना है उन लोगों ने। ये हमारी बस यार रूट नंबर 130, तो रूट इसके ऊपर चला हुआ है, थोड़ा फास्ट चल रहा है, मंडी छतरी। जंजैहली, थुनाग, बक्सैड, चैल चौक, नहर चौक होते हुए मंडी। तो अब 6 बज चुके हैं दोस्तों, अब हम निकलते हैं अपने सफ़र की ओर। तो आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे, जहाँ सुबह होगी गुड मॉर्निंग वहीं होगी हमारी। कुछ इस तरह का रूट बोर्ड होता है हमारा। छतरी मंडी, तो यहाँ पर जैकेट डालना अनिवार्य होगा या स्वेटर। हम तो वैसे लाली की तरह पिछले कल ऐसे ही आ गए थे उठकर, क्योंकि हम बीच बीच में ही आ गए थे ड्यूटी में, तो अपने दोस्त से हमने ये जैकेट लिया है, तो तभी थोड़ा सा हम बच पाए, नहीं तो यहाँ तो आप समझ सकते हैं ठंड में क्या हो सकता है। तो चलिए, समय ना गंवाते हुए 6 बजे का समय हो रहा, चलते हैं अगले सफ़र की ओर, छतरी से मंडी की ओर। तो ठीक, छतरी से हम 6 बजे निकल गए। तो हमारे आगे चली है रामपुर और शिमला की तरफ जाने वाली हमारी HRTC की बस, भी सुबह यहाँ से 6 बजे निकलती है। तो जिन भी यात्रियों ने छतरी से रामपुर शिमला की ओर जाना है, तो उस बस का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता रहे थे शिमला की ओर, तो ये वही बस है, काकड़ा धार शिमला की ओर जा रही है, और हमने निकल जाना है सीधे ऊपर की ओर। अलविदा, तो फिर मिलेंगे। अब हम निकलेंगे यहाँ से जंजैहली की वादियों की ओर, जंजैहली वादियों की ओर मंडी। तो दोस्तों, अंधेरे से हम निकल चुके हैं और अब उजाला हो रहा है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। तो ये आज के हमारे कंडक्टर जो इस रोड पे चलते हैं छतरी के लिए, इनके साथ भी ज़रूर मिलाएंगे, इनके घर ही छतरी है। छतरी से निकलने के बाद ये गांव है जुपरी घाट। जुपरी घाट में सारे स्लेट के मकान हैं, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर बर्फ़ गिरती है, तो इसीलिए स्लेट और चद्दर वाले मकान रहते हैं, और उनकी शाइन ही अलग रहती है दोस्तों और मित्रों। और सेब के पौधे लगे हुए हैं, तो सेब ख़त्म हो चुके हैं, और अलग वादियाँ हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं स्लेट के मकान में जो मज़ा है, वो हमारे लेंटर वाले मकानों में मज़ा नहीं है, मेरे ख्याल से तो यही है। इसके बाद हम पहुंचेंगे मगरूगला, मगरूगला छतरी मेन स्टेशन है। अगर आप रामपुर करसोग जंजैहली से बाया मगरूगला जा रहे, तो आपको ये इलाके मिलेंगे देखने के लिए। तो किस तरह से सुंदर व्यू देख सकते हैं आप मित्रों, पहाड़ों का मौसम और पहाड़ों की सुंदरता, और रोड देख सकते हैं आप, रोड बिल्कुल चकाचक। और ये हमारे भाग सिंह भाई जो अभी भी अंधकार में डूबे हुए हैं, दिखाएंगे इनकी शक्ल भी आप लोगों को। तो सूर्य प्रभु अब निकल चुके हैं, सूर्य देव आ चुके हैं धीरे धीरे। तो मगरूगला पहुंच रहे हैं हम, मगरूगला यहाँ से कुछ ही दूर। कितना दूर रह गया भाई? 2 किलोमीटर मगरूगला।
ये हमारे साथ आशीष भाई है जो छतरी के रहने वाले हैं, आज ड्यूटी जा रहे, इनकी जगह हम आए थे। भाग सिंह भाई भी अब नज़र आ रहे धीरे धीरे, क्योंकि रात को हम दिखा नहीं पाए, अंधेरे में डूब गए थे, अंधकार में डूबे हुए थे। ये वादियों से निकलते हुए जंजहली 11 किलोमीटर, और यहाँ पर छतरी है, मगरू गला है। ये मगरू गला की डाउन हम जा रहे हैं सतीश भाई अपने मार्गदर्शन कर रहे भाई और उस्ताद जी। अब हम आप लोगों के साथ जंजहली में मिलेंगे, जंजहली रेल चौक नॉन स्टॉप टाइम है, ये पहला टाइम है ये छतरी से सीधा मंडी की ओर। रोड काफ़ी हद तक अच्छा और बिल्कुल वाइट लाइन वाला। आशीष भाई बैठे हुए हैं, आज यहीं आएंगे अब वापसी पर। और अब मगरू गला की डाउन के बाद अब हम पहुंच चुके हैं जंजहली बाज़ार। जंजहली बाज़ार माँ शिकारी देवी, यहाँ से कितना किलोमीटर है आशीष भाई? 17 किलोमीटर है। और ये हमारे भाग सिंह भाई को पूरा पता, क्योंकि प्राइवेट पे इन्होंने पहले नौकरी किया, प्राइवेट बस चलाते थे पहले जंजहली के लिए। जो भी लोग इनको देख रहे होंगे तो भली भांति इनको पहचानते। तो ये है हमारा अस्थाई बस स्टैंड, ये हमारा बस स्टैंड है अस्थाई। यहाँ पर हमारी बसें खड़ी है, और भी शिमला के लिए भी यहाँ से सीधी डायरेक्ट बस सेवा है हमारी। तो कितने बजे निकलेंगे यहाँ से? 7:30। तो अभी टाइम हो रहा 7:15। चाय पी लेते दीपू भाई के पास, शर्मा ढाबा। आशीष भाई बैग उठाते हुए, तो क्या चले क्या आ सके क्या? कांड चुप है? नहीं नहीं नहीं, मतलब भी नहीं। जंजहली, इसके बाद अब हम निकलेंगे मंडी की ओर चाय पीने के बाद, शर्मा ढाबा के पास चाय पियेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आग सेक लेते क्योंकि ठंडी बहुत हो गई है भाइयों। आह, नेचुरल। भाग सिंह भाई हमारे साथ बैठे हैं, तो इसके साथ हम चाय पियेंगे। साथ साथ ये जंजहली पंडो मंडी निकलते हुई हमारे आगे, ये जाएगी बाया पंडो होकर। तो आशीष भाई इसके ऊपर निकल गए, हम उतने में पी लेते चाय। और हमारे हाथ में आ चुकी है चाय, और ठंड इस कदर से जिसका हम बयान भी नहीं कर सकते। चाय की चुस्की और साथ में हमने स्वेटर डाला हुआ, घर में तो इतना पड़ता नहीं था परंतु यहाँ पर डालना पड़ता है। ठंड बहुत है मित्रों, हद से ज़्यादा ठंड है। तो चाय सुबह सुबह गर्म, चूल्हे की आँच पर बनी हुई चाय, आपको पता ही स्वादिष्ट किस तरह होती है। आद अंकल जी ने हमें पहचान लिया, नरेंद्र पठानिया जी है ये, और ये पालमपुर के रहने वाले, कहते कि ब्लॉग बना रहे थे, जंजहली का ब्लॉग भी इन्होंने देखा था। ये घूमते घूमते आए, बैंकिंग से 10 साल रिटायर है ये। कौन से बैंक से आप अंकल जी? ओरिएंटल बैंक से। ओरिएंटल बैंक से ये 10 पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गए, पंजाब नेशनल बैंक में वो मर्ज हो चुके हैं। तो 10 साल के बाद 69 ईयर है, तो 69 साल एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है। 69 साल में घूमना फिरना, थोड़ा सा वातावरण और प्रकृति को एक्सप्लोर कर रही है। अब ये पराशर जाने वाले हैं, तो कह रहे थे कि हो सकता है कल सुबह, इनको हमने बता दिया कि मंडी से पराशर के लिए 8 बजे गाड़ी जाती है, तो 8 बजे निकलेंगे। रात को ये छतरी में रहे तो सुबह हमारे साथ आए, तो अंकल जी ने हमें पहचान लिया, तो खुशी होती है इस तरह से मिलने के बाद। तो फिर से अब हम निकलेंगे मंडी की ओर, और ये हमारी बस है। ठीक, सुबह 7:30 बजे हम जंजहली से निकल गए चाय पीने के बाद, अब हम मंडी के लिए निकलेंगे। तो बीच बीच में जंजहली से मंडी तक का तो हमने ब्लॉग बताया, परंतु हम धीरे धीरे आप लोगों को दिखाते रहेंगे। एक उन जगह साई भाई शिकार, जंजहली थुनाग मंडी शिकावर।
तो बीच बीच में ये बसें हमें मिलती रहती है जो मंडी से जंजैहली की ओर जाने वाली रहती है सुबह पहले टाइम सेकंड टाइम। ये यहीं से आई लोकल बस तो नाग से ही जंजैहली जाएगी है। और ये है निर्माणाधीन HRTC का बस स्टैंड, काम जोरों पर चला है। कुछ ही समय में यहाँ पर बस स्टैंड बनकर तैयार हो जाएगा और अपर सराज वालों को ये फैसिलिटी होने वाली है। और ठीक जंजैहली से निकलने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं थुनाग वैली में। थुनाग वैली में ठीक हम आधे घंटे में पहुँच गए। तो ये मंडी डिपो की काफ़ी बसेस यहाँ पर खड़ी रहती है। तो अब हम ठीक आधे घंटे बाद थुनाग पहुँच गए। और ये थुनाग वैली का छोटा सा पुल, ठीक 8 बजे हम थुनाग पहुंच गए। तो यहाँ से अब हम 8:05 पर निकलेंगे मंडी की ओर। तो यहाँ पर भी HRTC की बस खड़ी है, तो काफ़ी बसेज अब वैली के लिए हो चुकी है। तो इसके बाद हम बीच में मिलेंगे आपके साथ। और अब थुनाग से निकलते हुए और यहाँ खड़ी है हरिद्वार जंजैहली, जिसका टाइम है यहाँ से 8 बजे का निकलने का। 8:05 पर निकलते हैं ये भी। तो हम भी अब निकलते हैं वैली से मंडी की ओर। ये मामा जी दौड़ते हुए, मामा जी दौड़ते हुए, मामा शिकावरी वाले, मामा जी शिकावरी वाले, मंडी 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 वाले, चलो मंडी होगी ठंडी हूँ। थुनाग से निकलने के बाद हम पहुंच चुके हैं बक्सयार्ड। समय हो रहा है 9 बजे का। 9 बजे हम बक्सयार्ड से निकल चुके हैं और यहाँ पर आने वाला है चर्चित। आप जब भी शिकारी देवी जंजैहली की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों मिलेगा भोलेनाथ का मंदिर देखने को। भोलेनाथ के मंदिर हमने आपको जंजैहली ब्लॉग में भी दिखाया था, तो इस ब्लॉग में भी हम आपको दिखा रहे। एक सुंदर मंदिर बना है ये और इसकी शोभा और भी जब बढ़ती है जब ये देवदारों के वृक्ष में घिरा होता है। तो अब निकलेंगे अब हम मंडी की ओर धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, और देवदारों के वृक्षों से होते हुए नज़ारा बेहतर होता हुआ अपने भाग सिंह भाई के साथ। देवनाला से निकलने के बाद अब हम पहुंच गए हुए कांडा। कांडा से चैल चौक 24 किलोमीटर और पंडो यहाँ से बाया केवलीधार 24 किलोमीटर का सफ़र है। तो हम चले जाएंगे लेफ्ट टर्न चैल चौक और राइट टर्न चला जाता है पंडो और कुल्लू मनाली के लिए। तो कांडा बक्सयार्ड से निकलने के बाद अब हम हैं चैल चौक वाले रोड पर। तो यहाँ पर भी आपको देवदार के वृक्ष मिलेंगे देखने के लिए। तो चैल चौक से नीचे फिर देवदार ख़त्म हो जाएगा, फिर चलेंगे चीड़ के जंगल। अब हम आपको चैल चौक में मिलेंगे दोस्तों। और इसके बाद हम आ चुके हैं चैल चौक। जो चैल चौक हर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, चैल चौक शहर, चैल चौक चौक पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से निकलेंगे 10:10 पर मंडी के लिए। तो अब हम पहाड़ों से, हुसने पहाड़ों से उतरकर मंडी शहर पहुंच चुके हैं। तो ये देख सकते हैं आप स्विफ्ट डिज़ायर में किस तरह लोगों ने बेकदरी डाली है इन गाड़ियों की। घास ढोते हैं जो ज़्यादा इतराते हैं वो ध्यान से देख लें। पहाड़ों से सीधा ही हम प्लेन इलाका मंडी में पधार चुके हैं। नहर चौक है, नहर चौक में मेडिकल कॉलेज है और साथ के साथ ही ये शोरूम है। नहर चौक में हर प्रकार के शोरूम मिलेंगे, महिंद्रा का शोरूम है ये। और कुछ लोग बीच रोडों पर गाड़ी भी मोड़ते हुए जो दुर्घटना को संकेत देते रहते। और ये हमारे साथ भाग सिंह जी है, भाग सिंह भाई, और हमारे साथ कुछ सवारी है और ये है लद्दाखी, लद्दाखी भाई है, टैक्सी चलाते। तो बिल्कुल खाली हो चुकी है बस, बस में अब सवारियाँ कम क्योंकि
छतरी जंजैली से ज़्यादातर सवारी नहर चौक डिडोर आने वाली रहती है। तो अब कुछ ही क्षणों में हम मंडी पहुँच जाएंगे, लगभग 15-20 मिनटों में मंडी, और मंडी तक सफ़र क्लोज़।